नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज के इस वीडियो से आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा क्या होने वाला है। मैं आपको पूरी परीक्षा अध्ययन को एक एक टॉपिक में, एक एक वीडियो में, एक एक टॉपिक को कवर करके और एक अच्छी तरीके से आपकी इंग्लिश को मजबूत करने की कोशिश करूँगा और आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी जो भी मैं मदद कर सकता हूँ उसको करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी टॉपिक है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे नोट मेकिंग हो, चाहे तो लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, इसे राइटिंग कैसे करते हैं, हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊँगा, हर एक चीज़ को बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो कैसे आपको उसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो आपको बेसिक एटलीस्ट नंबर तो मिल जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये चार वीडियो के अंदर इसको मैं कवर करूँगा। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके रूल बताऊँगा, कल मैं आपको बताऊँगा कि सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, परसों जो एक और वीडियो आएगा जो तीसरे नंबर का उसमें मैं बताऊँगा कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला जो वीडियो होगा चौथा नंबर में उसमें मैं सभी मिक्स्ड एक्सरसाइज कराऊँगा, जो भी प्रीवियस ईयर, जो भी पिछले 3 से 4 सालों में और परीक्षा अध्ययन में जो भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उनमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई उन सभी की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जिससे आपका जो टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चारों वीडियो को प्रॉपर देखना है, ठीक है, तभी ये टॉपिक आपका कवर होगा। और आपको यकीन ना हो तो आप परीक्षा अध्ययन उठा के देख लीजिए, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा डू एज डायरेक्टेड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक को मैं कैसे आप करोगे, कैसे उसको कवर करोगे, यहाँ मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। आपको और आपको बेसिक भी नहीं आता है तो भी, और अगर आपको मैंने जो भी आपको अभी मैं बता रहा था इसके पहले आपके अपने वीडियो में ट्रांसलेट करना, तो उनका कहाँ यहाँ पे रूल कहाँ ये यूज होने वाला है ये आप सब इस वीडियो में देखोगे और आगे चार वीडियो में, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ पढ़ाई थी ना वो एक बेसिक थी जो कि आपको समझने में मदद करेगा इन सब चीज़ों को जो अब आपको पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने भी आपको टॉपिक बताया उसमें क्या करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसको या तो आपको चेंज करने के लिए बोलेगा, जैसे उसमें लिखा होगा अफर्मेटिव में तो आपको बोलेगा निगेटिव में चेंज करो, या तो बोलेगा पूरा का पूरा टेंस चेंज करो। तो ये कैसे करेंगे ये अभी मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर होता क्या है कि आपको या तो टॉपिक या तो पूरा सेंटेंस चेंज करना होता है, अफर्मेटिव में लिखा तो निगेटिव में, या तो आपको पूरा का पूरा टेंस ही चेंज करना होता है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, उसको देखो। तो देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि सी राइट्स अ लेटर, अब ऐसे ही आपको सेंटेंस दे देगा, या तो आपको इसमें ये बोलेगा कि इसको आप निगेटिव बना दो, या तो इसको बोल सकता है कि आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दो, या ऐसा कह सकता है कि पूरा का पूरा आप टेंस ही चेंज कर दो। जैसे आपको ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा हुआ है तो आपको बोलेगा या तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दो, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो। तो वो सीधे के सीधे पूरा टेंस ही चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्या आप रूल याद रखोगे, क्या आपको दिमाग में होना चाहिए, कैसे उसको चेंज करते हैं, इनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के द्वारा आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले टिप्स मैंने क्या लिखी है कि क्या टेंस एंड सेंटेंस को पहचानना। आपको करना क्या है कि जो भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है सी राइट्स अ लेटर, आपको करना क्या है सबसे आपको पहले पहचानना है कि ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है। फिर आपको क्या पहचानना है इसमें कि ये जो टेंस तो लिखा हुआ है, टेंस तो हमने पहचान लिया, फिर हमको क्या ध्यान रखना है कि भैया इसका सेंटेंस क्या है, मतलब कौन सा है, या तो अफर्मेटिव में लिखा है, या तो निगेटिव में लिखा हुआ है, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो ये पहचानना, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में आ गई। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, आप क्या करना, आपको स्ट्रक्चर रिकॉल करना है जिसमें बदलना है। ये एक्चुअली मैंने अपने से पॉइंट बनाए हैं जो मुझे लगता था कि आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर रिकॉल करना कैसे, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आपको अब समझ में आया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर रिकॉल करेंगे कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फिर अफर्मेटिव है, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, है ना, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो जैसे इसको मैंने समझ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो यूज होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम क्या करेंगे इसका मतलब क्या यूज होता है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, तो ये हम पहचान लें कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने पहचान लिया कि ये तीनों चीज़ें क्या क्या है, उसके बाद वो क्या करना है, अब अगर इसको बोला जाए कि अगर इसको आपको निगेटिव बनाना है, ठीक है, निगेटिव बनाना है, आपको क्या करना है, आपको
आप सिंपल सा समझ लेना कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है निगेटिव, उसको बनाने के लिए बोला गया है, तो आपको इसका टेंस नहीं चेंज करना है, है ना। इसका मतलब ये अफर्मेटिव में है तो आपको अफर्मेटिव में ही बनाना है, बट आपको सेंटेंस का टाइप बदल देना है। अफर्मेटिव में है, बोला कि निगेटिव में बनाओ, आप निगेटिव बना दो। कैसे? हमको पता है कि निगेटिव में क्या होता है, पता है आपको? निगेटिव में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। क्या लगती है? डू और डज। उसके बाद हम समझेंगे कि उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि हमको निगेटिव बनाना है। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और भी जो चीज़ें होंगी उसको लिखेंगे, ठीक। तो ये आप अपने दिमाग में इसको रिकॉल करना है। दिमाग में अगर आपने इसको रिकॉल कर लिया, अब वही चीज़ें जब इसको बनाते वक्त, इसको चलो मैं निगेटिव बना के बताता हूँ कैसे इसको बनाओगे। अगर इसको हमको निगेटिव बनाना होगा तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले अभी जो मैंने आपको बोला कि सेंटेंस को रिकॉल करना है, निगेटिव बनाते वक्त क्या करोगे कि आपको पहले सब्जेक्ट तो लिखना ही है क्योंकि आपको सब्जेक्ट तो होता ही है स्टार्टिंग में निगेटिव में। उसके बाद हमारे निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बना निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। डू का यूज कब करते हैं और डज का यूज कब करते हैं, इसके लिए तो देखो मैंने पहले भी आपको ट्रांसलेशन के वीडियो बताए हुए हैं। तो आपको पता है कि सी के साथ हमेशा डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हमने लगा लिया डज। उसके बाद अब आपको पता है कि निगेटिव बनाना है तो हम इसमें नॉट भी लगाएंगे, तो हमने देखो यहाँ पे नॉट लगा दिया। उसके बाद अगर हमको इसमें बोला जाए क्या करना है, हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो मेन वर्ब आपको पता है कि यहाँ जो राइट लिखा है, देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि अगर आपको मेन वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप ये समझते हो ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एस है, यस लगा, एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि राइट मेन वर्ब होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राइट, और उसके बाद क्या लगाना हमको, ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे है, तो ए लेटर। तो देखो कितना इजी तरीके से इस सेंटेंस को मैंने बनाया, अगर मेरे को इसका रूल याद है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको रूल आपके दिमाग में रिकॉल करना है, वो दिमाग में चलाते जाना और लिखते जाना है, बहुत इजीली तरीके से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी थी कि आपको क्या करना था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रिकॉल करना है जिसको हमको बनाना है और जिसमें लिखा हुआ है। तो जब हम बना रहे होते हैं उसको, है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जिसमें हमको चेंज करना है, इसको मैंने बोला था निगेटिव में चेंज करने के लिए, तो हमने निगेटिव का क्या है, इसका रूल अपने दिमाग में रिकॉल कर रहे थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सेम ऐसे ही आपको करना है, अगर इसको आप बोला जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, वो भी आप कर लोगे इसी तरह आप दिमाग में रिकॉल करते हुए, ठीक है। एक और मैंने क्या बोला, ये कि जो टेंस है ना, चेंज करते वक्त सेंटेंस टाइप चेंज नहीं करते, है ना। जैसे मैंने अगर बोला कि ये सेंटेंस लिखा, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये सब जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एक कॉपी लेके और पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि इसका आपको यूज होने वाला है और इसके आगे बेस पे आप 4 वीडियो पढ़ने वाले हो, है ना। तो ये चीज़ें आप लिख लो, उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं किनारे हो जाता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि जब भी आप बनाओ तो आपके दिमाग में ये रहे, अगर भूल भी जाओ कि हमको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट बताता हूँ ये जो रूल मैं अभी यहाँ पे लिखा हुआ कैसे। चलिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, और जो तीसरा रूल मैंने आपको बताया था कौन सा, कि जब भी आप सेंटेंस का, है ना, ये जो सेंटेंस है उसका अगर हम टेंस चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं, तो हमको इसका सेंटेंस का टाइप नहीं चेंज करना है। इसका मतलब अगर ये अफर्मेटिव में लिखा है तो जब दूसरा टेंस में हम इसको लिखेंगे तो वो अफर्मेटिव में ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो टेंस, है ना। जैसे ये आपको पता है कि किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बोला क्या गया है कि आप उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओ, क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना। ये जो अफर्मेटिव में लिखा है तो जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओगे तो वहाँ भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाओगे, ऐसा नहीं कि अफर्मेटिव में लिखा है तो जब आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओ तो उसमें निगेटिव बना दो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैं बनाता हूँ, आप देखो इसको करना क्या है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, है ना, या तो ट्रांसफॉर्म करो, तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करो चीज़ें। पहले हम पहचानते हैं कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हमें समझ में आया। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी समझ में आ गया। बदलना किस में है हमको, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो
अब इसका स्ट्रक्चर हमको दिमाग में रिकॉल करना है, ठीक है। कैसे रिकॉल करोगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है भाई? सबसे पहले हमको पता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो करना क्या होता है भाई, हमको करना होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा तो अफर्मेटिव ही बनाएंगे, यही मेरा तीसरा रूल बोल रहा था, है ना। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है कि जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्या होती है, वाज और वर होती है, ठीक। अब आपको पता है कि वॉच का यूज कब करते हैं, वर्क का यूज कब करते हैं, ये भी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है, वो आपको यहाँ हेल्प करेगा, जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमारा रूल क्या, अच्छा मैं लिख देता हूँ, चलो रूल लिख देता हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट लिख दिए, सबसे पहले लिखना है, फिर हमको वॉच और वर्क में से कोई जो भी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा उसको लगाना है। फिर हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको पता है, ये मुझे अभी नहीं बताने की ज़रूरत है, अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको पढ़ाया है कि करना क्या है। मेन जो भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म ही यूज किया जाता है, ये आपको भी पता होगा अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वाज वर्ब, अब चूंकि नाम है तो आपको पता है कि वॉज लगेगा, तो रवि वॉज। फिर क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो देखो मेन वर्ब तो यहाँ लिखी हुई है, प्ले एस लगा है, इसका मतलब भी क्या, ये तो पहचान थी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की, तो यहाँ पे प्ले हो गई मेन वर्ब। तो देखो मेन वर्ब हमने लगा दिया प्ले, उसके साथ आईएनजी लगाना है, आईएनजी क्यों, क्योंकि हमारे पास्ट कंटीन्यूअस में तो आईएनजी ही तो लगती है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। फिर हमको क्या लगाना भाई, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो देखो यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, तो हमने क्या बना दिया इसका, क्रिकेट। ये सेंटेंस देखो कितने ईजी तरीके से बन गया, अगर हमको रूल याद है, हेल्पिंग वर्ब याद है, इनमें बहुत सारी दिक्कत नहीं होती है, अब बहुत इजी तरीके से दो तीन नंबर हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा, इसका भी मैंने बना देता हूँ। देखो सेंटेंस लिखा, ही हैज़ रिटन अ नोवेल। अब आपको पता है कि हैज हैव लगता है किसमें, एक्चुअली ये टेंस अभी मैंने नहीं पढ़ाया है ट्रांसलेट करके, तो मैं उसको अभी रोक दिया हूँ, अगर आप बोलोगे तो वो टेंस में मैं आगे ट्रांसलेट करना बता दूंगा, अदरवाइज मैं इसका सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा जिससे आपका काम इसमें हो जाए, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। बनाना किस में हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी बनाना होता है, देखो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, जब भी हम अफर्मेटिव ही बनाएंगे किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो करना क्या है, हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, आपको पता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस या तो एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे, ये भी आपको पता है कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो लिखा है ही, तो हम लगा देंगे ही। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ही के साथ अफर्मेटिव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखो रिटन लिखा है, ये थर्ड फॉर्म होता है राइट का, तो क्या लिखेंगे, राइट इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब चूंकि देखो जब भी सब्जेक्ट हमारा ही होता है, सी होता है, किसी का नाम लिखा होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसमें, एस ए एस लगाते हैं, तो ई तो लगा है, एस बस लगाना, तो ही राइट्स अ नोबेल, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें आज बताई हैं कि क्या क्या रूल आपको ध्यान में रखना है, है ना। एक बार मेरे साथ और उसको रिकॉल करिए, मैंने क्या क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आप जो भी सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जाए, सबसे पहले उसका रूल आप याद कर लो, आप टेंस पहचान लो कौन से टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, कि उस रूल को आप रिकॉल करो, जिस रूल को आपको जिस सेंटेंस में या जिस टेंस में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तीसरा पॉइंट बोला था कि सिर्फ अगर किसी टेंस अगर चेंज करने के लिए बोला जाए, जैसे ये सेंटेंस लिखा था, इसका टेंस अगर चेंज करना है तो सिर्फ टेंस ही चेंज होगा, है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जिस टेंस में अगर बोलेगा तो उस टेंस में चेंज होगा, उसका सेंटेंस टाइप चेंज नहीं होगा। सेंटेंस टाइप जैसे ये अफर्मेटिव में लिखा था, देखो मैंने इसको अफर्मेटिव में ही बनाया है, इसको मैंने कब निगेटिव नहीं बनाया, ना तो इसको इंटरोगेटिव बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ तीसरी पॉइंट मैंने बोला था याद रखना होता है। तो आई होप ये जो वीडियो में आज आपको मैंने रूल बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कल मैं क्या करूँगा कि सेंटेंस जो बनाना होता है, जैसे अफर्मेटिव में लिखा तो निगेटिव में कैसे बदलेंगे, निगेटिव में लिखा है तो आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, है ना, या तो अफर्मेटिव में लिखा तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो कल उसका वीडियो होगा, है ना। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टेंस का टाइप चेंज करना बताऊंगा,
जैसे ये मैंने टेंस चेंज करे हैं, तो ये बताऊंगा मैं तीसरे वीडियो में, और ये चीज़ें मैंने अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना ये बताऊंगा सेकेंड नंबर की वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हर एक चीज़ आपको सबको फ़ायदा मिल सके। हर एक टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि जब भी आप चीज़ें पढ़ो तो आपको कोई भी जो भी डाउट हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी इस चीज़ों को नोट करने के लायक हैं, उनको आप नोट भी करते जाओ। क्योंकि पढ़ाई जब भी करना है, जब भी पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह जैसे मैंने वीडियो डाला आप तुरंत देखो, लेकिन जब भी पढ़ो तो अब थोड़ी ध्यान से पढ़ो ताकि ये चीज़ें जब भी आएँ, आपको जब चीज़ें मिल रही हैं, है ना, अच्छे तरीके से मिल रही हैं, अच्छी तरीके से कोई पढ़ा रहा है, तो आपको समझ में आए, उसका कोई फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहो, मस्त रहो, तैयारी करते रहो, बाकी मैं तो आपकी हेल्प करूंगा जितनी मेरे से हो पाएगी।